आतिक अहमद को लेकर बड़ा खुलासा, आतिक के गुर्गे के नौकर के पास करोड़ों की संपत्ति। सिद्धार्थनगर में शिक्षा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत करोड़ों की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने करीब 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज होगी सुनवाई, 2 अलग अलग अदालतों में होगी मामले की सुनवाई, हिंदू महासभा के पत्र पर सिविल जज करेंगे सुनवाई। आज से यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज, 5 दिनों तक चलने वाले सत्र में हंगामे के रहने के आसार। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा निकालेगी पदयात्रा। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सपा विधायक आजम खान की पेशी आज, भड़काऊ भाषण देने का है मामला, कमजोर स्वास्थ्य की वजह से पेशी में परेशानी। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी के ट्रांसफर का दौर जारी, 70 अफसरों का तबादला, आईएएस संजीव सिंह विशेष सचिव वित्त बनाए गए। अयोध्या में एक युवक ने बनाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का मंदिर, अयोध्या से 15 किलोमीटर दूरी पर किया गया स्थापित। गाजियाबाद में एम्बुलेंस और बाइक के बीच टक्कर, हादसे में बाइक सवार 3 की मौत। तिवरिया में बड़ा हादसा, जर्जर मकान गिरने से 3 लोग दबे, 3 की मौत। सुल्तानपुर में गोमती नदी मछली पकड़ने गए 2 किशोर नदी में डूबे, एसडीआरएफ नदी में डूबे किशोरों की तलाश में जुटी। रायबरेली में पूर्व बीजेपी विधायक की गाड़ी से टकराई नील गाय, गाड़ी में बैठे सभी लोग बुरी तरीके से घायल हुए थे, फिलहाल सुरक्षित। बहराइच में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात, तमाम गांव पानी में घिरे। अदाड़ी फोर्ट लाइन की गुजरात जायंट्स टीम लखनऊ पहुंची है, अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 1 सितंबर तक होंगे 3 रोमांचक मैच। कानपुर में सुफी खान का एसोसिएशन ने पीएफआई पर एनआईए की कार्रवाई को बताया सही, कहा कि पीएफआई की गतिविधियों पर लगेगी लगाम। आसमगढ़ में धर्मांतरण करने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने हिरासत में लिया। अयोध्या में पिछले 22 दिनों से लापता युवती के शव का कंकाल गन्ने के खेत से बरामद, पुलिस ने हत्यारी को गिरफ्तार किया। संत कबीर नगर में मोबाइल के टावर पर युवक हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा।